in first law of thermodynamics, because in first law of thermodynamics we do not get all the information that is required to understand the process. एक प्रोसेस के चेंज के बारे में सब कुछ समझने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है दैट वी आर नॉट गेटिंग फ्रॉम द एफएलओटी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो इसलिए सेकंड लॉ पिक्चर में आता है. फर्स्ट लॉ ने ये तो बताया एनर्जी कंजर्व, बट डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस, डायरेक्शन ऑफ चेंज इज नॉट सजेस्टेड बाय फर्स्ट लॉ. हीट एक्सचेंज हो रहा है ये तो बताया कि इतना हीट सिस्टम ने लूज किया उतना ही सराउंडिंग गेन करेगा, बट एट द सेम टाइम किस डायरेक्शन में हीट का फ्लो होगा, किस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस चेंज होगा, खुद से होगा खुद से नहीं होगा, कितने एक्सटेंट तक होगा, ये सब कुछ फर्स्ट लॉ में नहीं आया था, जो सेकंड लॉ में आएगा. सेकंड लॉ में मेनली व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस. द चेंज कैन अकर ऑन इट्स ओन और द चेंज कैन नॉट अकर ऑन इट्स ओन, ये हमें मेनली प्रेडिक्ट करना है यहाँ पर, राइट. तो हमें जब ये बताना है कि प्रोसेस होगा या नहीं होगा, दो क्राइटेरिया आते हैं, एक आता है इंथाल्पी क्राइटेरिया, दूसरा आता है एंट्रोपी क्राइटेरिया. यदि इंथाल्पी सिस्टम की बढ़ रही है तो वो स्पॉन्टेनियस चेंज को अपोज करेगा. इफ इंथाल्पी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीजिंग देन इट फेवर्स द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द चेंज. चेंज खुद से हो इसको प्रिफर्ड कब, फेवर कब करेगा, जब उसका डेल्टा एच नेगेटिव होगा. अब हम आते हैं सेकेंड क्राइटेरिया, एंट्रोपी क्राइटेरिया. एंट्रोपी क्राइटेरिया, एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस. If we are in the system is increasing its entropy during the change, then it favors the spontaneity. If entropy of the system is decreasing, then it opposes the spontaneity of the change. खुद से होने का oppose करेगा. Clear? ये हमने देखा था. फिर हमने एक overall criteria पे आ गए थे, delta S total. अभी हम बात करते हैं entropy of the system. अब हम entropy of system लेते हैं plus entropy of surrounding लेते हैं, दोनों को add कर देते हैं, उसको बोलते हैं entropy of the universe और entropy of the और total entropy. तो delta S total यदि greater than zero है तो process spontaneous, delta S total less than zero है process non-spontaneous, delta S total equal to zero है the process, the system and surrounding are in equilibrium, process equilibrium में perform हो रहा है. इतना सब कुछ हमने देखा था last lecture तक, right? Is there any doubt in the theory part from last lecture? Apurva, Ayush, Chaitanya, Diya? No, sir. किसी को कोई doubt कि ये part नहीं समझ में आया था? रिशा, प्रतीक, बोलो राशि. वो third point नहीं समझ. पढ़ के बताओ सेकंड लॉ का कि पढ़ के बताओ. एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजिंग इन द कोर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. देखो मुझे बताओ, जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है वो तो अपने आप होता ही चला जाएगा, क्लियर. जो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है उसके लिए हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा एक्सटर्नल एजेंसी को पिक्चर में आना पड़ेगा. तो इन द कोर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग. क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो होता है, पॉजिटिव होता है? हाँ. ऐसा हमने लिखा है. तो जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जब वो खुद से होते चले जाएंगे तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स उनके कारण बढ़ता चला जाएगा. डेल्टा इज पॉजिटिव दैट मींस फाइनल एंट्रोपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इनिशियल एंट्रोपी, राइट? हाँ सर. चले आगे, और कोई डाउट किसी को? चलो अब ये जो हेडिंग है इट इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन मैथमेटिकल रिलेशंस फॉर द एंट्रोपी चेंज. हमारा जो बेसिक रिलेशन है डीएस का दैट इज डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी. जितना ज्यादा तुम हीट प्रोवाइड करोगे गिवन टेम्परेचर उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस बढ़ेगी, उतना ज्यादा एंट्रोपी होगा. सो डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी ये कुछ होगा. इफ यू वांट टू डिटरमाइन डेल्टा एस इंटीग्रेट कर देंगे हम इसे डीएस का इंटीग्रेशन. तो डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी का इंटीग्रेशन, दिस इज द बेसिक रिलेशन टू कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी.
अब हम वेरियस केसेस के लिए इसको डिटरमाइन करते हैं. क्वेश्चन हम इसको क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों एक कैलकुलेशन देख रहे हैं, हमें फाइनली स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया देखना है. तो एंथैल्पी चेंज को हमें पता है कैसे होता है, वो ऑलरेडी हम फर्स्ट लॉ में कर चुके हैं. एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करेंगे और दोनों को कंबाइन करके एक फाइनल ओवरऑल क्राइटेरिया बना देंगे. ये ओवरऑल क्राइटेरिया है जो स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करेगा. तो फर्स्ट केस फॉर आइडियल गैस, चलो हम सॉलिड लिक्विड से स्टार्ट करते हैं. गैस का सबसे लास्ट में लेंगे, सबसे लंबी है. फॉर हीटिंग ऑफ सॉलिड फ्रॉम T1 टू T2, हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं टेम्परेचर T1 से T2 तक. या देखो किसी भी सॉलिड के लिए DQ जनरली हम लिख सकते हैं m into c into d, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. यदि ओवरऑल हीट कैपेसिटी दे रखा है मास into c, तो इस दोनों को कैपिटल c से रिप्लेस कर देंगे. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास dt, क्या हमें ये पता है? DQ लिखा था हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, m into c into dt. इज दैट ओके? यस सर. m into c इंटीग्रेशन के बाहर ले आओ, कांस्टेंट होता है, t1 से t2 तक इंटीग्रेट कर दो. सो इसका जो रिलेशन आएगा m into c dt by t is ln t, अपर लिमिट t2, लोअर लिमिट t1. ध्यान रखना देर इज नो केमिकल चेंजेस, देर इज नो फेस ट्रांसफॉर्मेशन. हम सॉलिड को हीट कर रहे हैं बट अब तक वो लिक्विड में नहीं गया है, सॉलिड का सॉलिड में ही है. हीटिंग अप ऑफ सॉलिड फ्रॉम t1 टू t2. जब सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो उसके लिए कैलकुलेशन थोड़ा फिर अलग आ जाएगा. इज दैट ओके? फर्स्ट केस समझ में आया? बेसिक इक्वेशन हमेशा ये यूज करें. एक और यहां पे लिख लेना, डेल्टा एस इक्वल टू DQ/T. उसके बाद फिर ये लिख, इन द सेम मैनर फॉर हीटिंग ऑफ लिक्विड, नो केमिकल चेंज, नो फेस ट्रांसफॉर्मेशन. सिमिलर वे में जैसे हमने ऊपर किया था, हम लिक्विड को हीट कर रहे हैं तो इसके लिए भी सेम रिलेशन आ जाएगा. डेल्टा एस mc dt/t t1 टू t2 इंटीग्रेट करने के बाद आ जाएगा ये भी. तो दोनों के लिए वैल्यू सेम आएगा, गैसेस के लिए चीजें चेंज हो जाएंगी. क्यों होंगी ये भी देखेंगे हम. प्रिया, प्रीशा, पल्लवी, क्या तुम अपने लेक्चर नोट्स में देख पा रहे हो ये डेल्टा की DQ को हमने MCDT लिखा है कहीं पर? रिया, रश्मि? हाँ सर.
हो गया है कॉपी? यस सर। For phase transformation, phase transformation, solid to liquid, liquid to gas, solid to gas, जो भी phase transformation दे रखा है, diamond to graphite, clear? First subcase during melting, solid से liquid पे जा रहे हैं, clear? जब solid से liquid पे जाओगे so in this case you need to supply energy which is the latent heat of fusion or enthalpy of fusion. यहाँ पे जो heat exchange होता है at constant pressure that is basically heat of fusion or enthalpy of fusion कहा जाता है इसे, enthalpy of fusion. फ्यूज करना, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने में जो भी एनर्जी लगेगा, और इसे डिनोट किया जाता है डेल्टा एच फ्यूज. क्लियर? क्या मेल्टिंग, हम आइस की बात करें, आइस की मेल्टिंग एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है क्या? 0 डिग्री सेल्सियस टू 73 केल्विन. व्हेन यू आर सप्लाइंग हीट देयर इज नो इंक्रीज इन टेम्परेचर, स्टिल द वी कैन सप्लाई द हीट एंड वी कैन कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड. तो जो मेल्टिंग होती है, मेल्टिंग एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है, और उस वो कांस्टेंट टेम्परेचर बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट. तो यहां पर जब तुम डेल्टा एस कैलकुलेट करोगे, डेल्टा एस फ्यूजन कहा जाएगा इसे, इज इक्वल टू डी क्यू बाय टी, टेम्परेचर कांस्टेंट, व्हाट एवर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस. तो ये बाहर आ गया, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, कॉन्स्टेंट प्रेशर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, तो इसे हम लिख देते हैं डी क्यू को डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी, वेयर टी इज मेल्टिंग पॉइंट. Is that okay? So T constant बाहर आया, dQ का integration Q, और Q को लिख दिया delta H fusion. So heat exchange upon temperature, melting point पर इतना heat exchange हो रहा है. बॉइलिंग के लिए सिमिलर मैनर, यहाँ पे इंथोल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं इसे, हीट ऑफ फ्यूजन, इंथोल्पी ऑफ फ्यूजन. यहाँ पे डेल्टा एच वेपराइजेशन, दैट इज इंथोल्पी ऑफ वेपराइजेशन और हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये वो वैल्यू है विच इज द हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यूरिंग बॉइलिंग, ड्यूरिंग वेपराइजेशन. तो यहाँ पे क्यू आ जाता है हीट और इंथोल्पी of vaporization, that is delta H vap, इसको ऐसे denote किया जाता है.
Third case, during sublimation solid to gas directly. So यहाँ पे heat exchange होगा, heat of sublimation और enthalpy of sublimation, delta H सबसे denote किया जाएगा. जैसे सब कुछ करते आ रहे थे, similar way में ये भी कर दिया. Now the question is, there is no, we don't have any constant temperature for the sublimation. ऐसा नहीं कि sublimation एक किसी temperature पे होता है. We can have sublimation at any given temperature, but the temperature should be less than melting point. यदि melting point से ज्यादा हो गया तो sublimation नहीं कहलाएगा, पहले solid liquid में जाएगा फिर liquid gas में चला जाएगा. तो फिर solid to liquid gas directly नहीं count होगा. So whatever the temperature here, that temperature should be less than melting point. Clear? तभी वो solid से gas में direct जाएगा. देव की कॉपी कर लिया है सब कुछ? Solid, liquid, then phase transformation, port, for a chemical reaction. Let's say we have this type of chemical reaction. A chemical reaction, like this, N2 plus PH2 giving 2 isomers of ammonia. Entropy change is sum of entropy for product minus
sum of entropy for reactant. अब इसका sum of product of entropy, ammonia का entropy, कितने ammonia है? दो ammonia है. दोनों का हमें लिखना होगा ना. So we need to write two times of entropy for the ammonia, NH3, clear? Minus one time of entropy for N2, minus three times of entropy of H2. तो हमेशा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पिक्चर में आते हैं जब एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट करते हैं. केमिकल रिएक्शन के लिए जो भी चेंजेस होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देंगे हमेशा. क्लियर? तो ये बेसिक फॉर्मूला है डेल्टा एस कोफिशिएंट को ऐसे लिखा जाता है. पहले ये लिखो फिर ये एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखकर इसे लिख लेना. फॉर अ केमिकल रिएक्शन फर्स्ट यू नीड टू राइट दिस, then this and this. Thank you.
चलो देखो, आइडियल गैस व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम P1 T1 टू P2 V2 T2 am I audible properly? Yes sir. Yes sir. सर आपकी वीडियो पॉज हो गई है. Yes, that I can feel कुछ थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम आया है. प्रॉपर या नहीं आ रही है? नहीं सर, प्रॉपर नहीं आ रही है, आवाज बहुत कट रही है. Am I audible or not? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. चलो, कुछ डेल्टा एस हमने लिखा, डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी. आई थिंक स्टिल देयर आर सम नेटवर्क इश्यू. वेट फॉर 2-3 मिनट्स, शायद वो थोड़ा बहुत बीच में कभी कभी होता है, 2-3 मिनट फिर हो जाता है सही. आई डोंट नो, 3-4-5 दिन से कुछ प्रॉब्लम आ रही है. हमारा मंडे को इवनिंग में लेक्चर था, तब भी थोड़ा सा इश्यू था.
चलो आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज क्लियर राइट. यस सर. यस सर. यस सर. तो dQ को हमने रिप्लेस किया फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स d माइनस dW लिखा, d को लिखा एनसीवीडीटी एंड dW इज माइनस ऑफ PdV. ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लिखा गया, इसलिए p एक्सटर्नल की जगह p इंटरनल व्हिच कैन बी रिटन एज p, उसको रिप्लेस कर दिया है. सेपरेट कर लो एनसीवीडीटी बाय t माइनस माइनस प्लस p बाय t dV. P by T को आइडियल गैस के लिए रिप्लेस कर दो NR by V से. तो NCV बाहर आ गया कांस्टेंट, DT by T का इंटीग्रेशन, P by T को NR by V से रिप्लेस किया, NR बाहर आ गया, DV by V का इंटीग्रेशन, ln T2 by T1, ln V2 by V1, फाइनल रिलेशन. इज दैट ओके? क्या इतना समझ में आता है? हाँ सर. ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू, मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, उस पर एक्सप्लेन करता हूँ, एटलीस्ट वीडियो में प्रॉब्लम नहीं आएगी. राइट. Just a minute. Is it visible? क्या स्क्रीन दिख रही है प्रॉपर? हाँ सर. यस सर. ठीक है. देखो हमने अभी जो देखा वो ये किया था, एक जनरल रिलेशन डिराइव किया एनसीवी ln t2 by t1 plus nr ln v2 by v1. Now in the same relation if we go for the various process, hum sabse pehle lete hain isothermal process. If the process is isothermal, then for ideal gas T2 by T1 is same, this term will be zero. NCV ln T2 by T1 ye wala term zero ho jayega kyunki constant temperature hai, sirf bach jayega itna wala term NR ln V2 by V1. So sirf first term bach jayega NR ln V2 by V1. Is that okay? If process is isobaric, isobaric means constant pressure process. Constant pressure process mein, can we write this thing? If pressure is constant, then T2 by T1 is equal to V2 by V1. Charles law. Volume is proportional to temperature at constant pressure. Kya hum aisa likh sakte hain kya? Yes, sir. If T2 by T1 and V2 by V1 are equal, matlab ye quantity dono same ho gayi. इसको तुम T2 by T1 लिख दो, n कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा? CV plus R. तो T2 by T1 को कॉमन लिया, ln T2 by T1 को, n को कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा CV plus R. Can we write CV plus R as CP? क्या CV plus R CP होता है क्या? Yes, sir. थर्ड केस है आइसोकोरिक. आइसोकोरिक में ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ln V2 by V1 will be
जीरो, एस वी टू बाई वी वन इज वन, एल एन वन आएगा आइसोकोरिक प्रोसेस में, तो वो टर्म जीरो बचेगा क्या, एन सी बी एल एन टी टू बाई सी वन, सिर्फ इतना टर्म बच जाएगा हमारे पास. आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, समझ में आ रहा है इतना? आइसोबारिक में चाहो तो तुम इतना लिख लेना, मतलब एक स्टेप जो मैंने कम लिखा है, T2 by T1 equal to V2 by V1, और फिर उसको पूरा कॉमन लेकर CV plus R then CP, बजाय डायरेक्ट आंसर लिखने के एक स्टेप और एड कर लेना. कॉपी कर लो जल्दी से इतना. हो गया कॉपी इतना? अच्छा, जो फॉर्मूला है ना, बेसिकली दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. ये दोनों के लिए ही वैलिड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिवर्सिबल के लिए वैलिड है. हमने डेफिनेटली रिवर्सिबल पाथ को चूज करके डी क्यू यहाँ पे लिखा और डेल्टा एस कैलकुलेट किया है. एज एंट्रोपी चेंज इज अ स्टेट फंक्शन. Now, whether you are going through reversible path or irreversible path, if you keep same, let's say, initial position A to same final position B, तुम यहाँ से किसी path के through जाओगे, the change in entropy will remain same. वो change नहीं होगा. तो ये just a way था to calculate the entropy change. अब तुम reversible path को follow करो, irreversible path को follow करो, final answer तो same आएगा. Right? अमोल, हो गया कॉपी? यस सर. अब आता है एडियाबेटिक प्रोसेस. एडियाबेटिक प्रोसेस में मैंने दो केसेस बनाए हैं. फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस and the second one is irreversible adiabatic process. अभी तो हमने कहा था कि reversible, irreversible से कोई फर्क नहीं पड़ता, same formula रहेगा. But yes, definitely ये जो formula है NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1, this is valid for both reversible and irreversible. But by chance जो इस formula में ये जो formula है, यदि reversible adiabatic process है, तो उसमें T2 T1 V2 V1 रखोगे तो by default zero आता ही है. फॉर्मूला तो वैलिड है, नो डाउट, बट हमें यह भी पता होना चाहिए वो बाय डिफॉल्ट जीरो आएगा. और इसको मैं यहां से डिराइव कर सकता हूं. फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस डेल्टा एस इज टी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी. तो हमें रिवर्सिबल पाथ दे रखा है और वो भी एडियाबेटिक,
मतलब डी क्यू रिवर्सिबल जीरो दे रखा है और ये जीरो जीरो बाय समथिंग का इंटीग्रेशन इज जीरो. बट इफ इट्स अ इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, देखना इस फॉर्मूले में डेल्टा इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी वाले फॉर्मूले में डी क्यू दैट इज अ हीट एक्सचेंज फॉर द रिवर्सिबल पाथ. यहाँ इरिवर्सिबल पाथ है, इरिवर्सिबल पाथ का हीट एक्सचेंज जीरो दे रखा है. जब हम उसको रिवर्सिबल में कन्वर्ट करेंगे द हीट एक्सचेंज विल नॉट बी जीरो. तो ये इरिवर्सिबल को जैसे ही तुम रिवर्सिबल में कन्वर्ट करोगे उसका जो डी क्यू है वो नॉन जीरो आ जाएगा, इसलिए उसका एंट्रोपी चेंज नॉन जीरो आ जाता है. क्लियर? कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, इसको यूज कर लेंगे. इवन ये इसके लिए भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो जीरो आना है. इज दैट ओके? हाँ सर. यहाँ पर एक पूरा टेबल दे रखा है, डेल्टा एक्स सिस्टम हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है. तुम देखोगे रिवर्सिबल आइसोथर्मल इरिवर्सिबल आइसोथर्मल सेम. रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए ये है, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए ये वाला फॉर्मूला है. सो बेसिकली दोनों ये वाला फॉर्मूला उसके लिए भी वैलिड था, बट बाय डिफॉल्ट जो आता है पता होना चाहिए. देन आइसोबारिक आइसोकोरिक, हमने डेल्टा एक्स सिस्टम पूरा देखा है, मतलब ये वाला कॉलम हम ऑलरेडी देख चुके हैं. यहाँ पे आता है डेल्टा एक्स सराउंडिंग, और फिर डेल्टा एस टोटल तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग को ऐड करके लिखा गया है. डेल्टा एस सराउंडिंग में जो बेसिक फॉर्मूला होता है डेल्टा एस सराउंडिंग का, इफ प्रोसेस इज रिवर्सिबल तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग का एडिशन जीरो आएगा, डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी माइनस ऑफ डेल्टा एस सिस्टम. मैं चलो इसको बोर्ड पे लिखाता हूँ एक बार, तुम इतना पूरा टेबल कॉपी कर लो एक काम करो, मुझे वो डेल्टा सराउंडिंग में थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा बोर्ड पर ही.
हो गया कॉपी? आयुष कॉपी कर लिया है? गार्गी गौरी? हाँ सर, हाँ सर। Calculation of delta S surrounding and delta S total. First case for reversible process, delta S total is always zero. System and surrounding are in equilibrium. यदि ये plus 50 joule per kelvin है तो minus 50 होगा. मतलब दोनों का same value होगा, सिर्फ positive negative sign का difference होगा. Equilibrium is maintained. So delta S surrounding will be minus of delta S system. और अब तक हमने जो भी एंट्रोपी चेंज का कैलकुलेशन किया है वो डेल्टा एस सिस्टम के लिए ही किया है. तो तुम्हारा ये आ जाएगा, मतलब डेल्टा एस सराउंडिंग आ गया और डेल्टा एस टोटल तो जीरो होना ही है रिवर्सिबल के लिए. तो इस केस में तो काफी इजी है, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है. नाउ द सेकंड केस फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस. इस केस में डेल्टा एस टोटल नॉन जीरो होगा. सिस्टम का कैलकुलेशन हमने किया है, डेल्टा एस सिस्टम का, डेल्टा एस सराउंडिंग का कैलकुलेशन मुझे बताना है. दोनों को कैलकुलेट करेंगे, ऐड करके यहां पर रख देंगे. क्या? चलो डेल्टा एस सराउंडिंग इन दिस केस इज बेसिकली, इफ वी से डीक्यू सराउंडिंग, बेसिक फॉर्मूला हम देखें, अपॉन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. जनरली सराउंडिंग एटमॉस्फेयर काफी वास्ट होता है, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है इन जनरल. टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा, बाहर आएगा. डीक्यू का इंटीग्रेशन क्यू, Q surrounding upon temperature. Clear? Q surrounding को हम लिखते हैं delta S surrounding will be minus of Q system by T. और इस Q system को generally we replace from the first law. ये first law of thermodynamics से replace होगा. इसको हम इसका use करके delta E equal to Q plus W इससे replace करेंगे. Clear? सराउंडिंग का कैलकुलेशन फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेस इज डेल्टा सराउंडिंग क्यू सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर. क्यू सराउंडिंग को लिखा माइनस ऑफ क्यू सिस्टम अपॉन टेम्परेचर. इफ प्रेशर इज कॉन्स्टेंट तो क्यू सिस्टम हो सकता है एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एस लिखा जा सकता है. इफ वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो वर्क डन जीरो, क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा ई, इसको लिख सकते हैं हम डेल्टा ई एनसीवी डेल्टा टी. तो डिपेंड्स की केस है, इंफॉर्मेशन दे रखी है, अलग अलग केस में अलग अलग होगा. आइसोबारिक है तो फिर वर्क डन लिख दो क्यू, मतलब जो भी जिस टाइप का प्रोसेस है उसको फर्स्ट लॉ से रिप्लेस करना है. कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आएगा. इज दैट ओके? क्या इतना क्लियर है? यस सर. चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे बेस्ड. हम एंट्रोपी कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ. Exercise 1. Section E. Question number 11. 12, 15, 16,
and 17. 11, 12, 15, 16 and 17. अभी करना है ना ये 11, 12, 15, 16 एंड 17 सेक्शन ई एक्सरसाइज 1. तो जो भी आज हमने किया है उस पे बेस्ड है क्वेश्चंस. यही ऑर्डर में करना है जिस ऑर्डर पे बोर्ड पे लिखे हैं ना, उसी ऑर्डर में मैं डिस्कस करूंगा फिर.
वेद वेदांत विराज विशाखा समझ में आ रहा है? एक दो क्वेश्चन बने हैं. प्लीज रिस्पॉन्ड अनम्यूट करके. यस नो कुछ बोलो चारों बच्चे. यस सर. यस चलो 11th क्वेश्चन बताना है या हो गया है? हो गया सर. An ideal gas heated from 300 to 600 Kelvin at constant pressure. The change in entropy in Cp ln T2 by T1. Number of moles 2, Cp de rakha hai 5 by 2R, ln T2 by T1, 600 by 300. So 5R ln 2, third option match kar raha hai, direct formula based hai, Ncp ln T2 by T1. Is that okay, 11th question? Yes, sir. और 12th में दे रखा है isochorically constant volume, तो उसका formula था nR ln V2 by V1. Number of moles 2 दे रखें, R as it is ले लो 2R ln V2 by V1. इसको Kelvin में जरूर convert कर लेना. 573 upon 473. Entropy change 2 moles of an ideal gas heated from this to this isochorically. नहीं. एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन आएगा. एन आर एल एन बी टू बाई वी वन वाला टर्म जीरो. सी वी का वैल्यू मोनोटोमिक के लिए 3/2R. तो आंसर थर्ड हो जाएगा इसका. 2 इंटू 3R बाई 2. क्वेश्चन नंबर 12. डेल्टा एस एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन बी टू बाई वी वन आइसोकोरिक. ये टर्म जीरो. मोनोटोमिक सी वी 3/2R. ln 573 upon 473 Kelvin. चलो नेक्स्ट थ्री क्वेश्चन के लिए फर्दर मैं 2-3 मिनट दे रहा हूं. अटेम्प्ट कर लो जल्दी से. वेव बच्चा 15 का आंसर क्या होगा सर? जीरो होगा. वेव यस क्या होगा 15 का आंसर? कीप ऑन अनम्यूट मोड फॉर अ वाइल. जब तक मैं बात करूं तब तक अनम्यूट रखो. करता हूँ सर. हाँ क्या होगा 15 का आंसर? कैसा प्रोसेस दे रखा है बेहो?
किस टाइप का प्रोसेस है आइसोथर्मल एडियाबेटिक आइसोकोरिक आइसोबारिक 15 क्वेश्चन में वैभव कैन यू हियर मी एडियाबेटिक एडियाबेटिक रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है रिवर्सिबल और रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए डेल्टा एस कितना होता है एंट्रोपी चेंज जीरो सर ठीक है सो इट इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस एंट्रोपी चेंज इज जीरो third option for 15 16th for a chemical reaction entropy change entropy of the product minus entropy of the reactant multiplied by their respective stoichiometric coefficient solve karna hai calculation ke liye main wait kar raha hu fir batata hu board pe se bhi chemical reaction wala entropy change formula jaise n2h2 ke liye likha tha na yahan pe pbo SO2 minus PbS minus O2 multiplied by their respective coefficient. कैलकुलेशन वाला पार्ट अब मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं पीबीओ SO2 प्रोडक्ट है पीबीएस O2 रिएक्टेंट है कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई किया है ये सारे वैल्यूज ब्रैकेट में दे रखे हैं उनके एंट्रोपी सेवनटींथ में कौन सा फॉर्मूला यूज आएगा तनिष्का सेवनटींथ चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू तनिष्का कैन यू हियर मी कौन सा फॉर्मूला यूज आएगा अनम्यूट करो तनिष्का यस सर कौन सा फॉर्मूला डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन मेल्टिंग पॉइंट फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे हमें डेल्टा एच फ्यूजन भी क्वेश्चन में दे रखा है 6 किलो जूल उसको जूल्स में कन्वर्ट कर लेंगे 6000 जूल्स अपॉन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 273 यस सर उसका आंसर हो जाएगा 6000 अपॉन 273 इज दैट ओके 17 क्वेश्चन यस सर
वापस रिपीट कीजिए ना, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? डेल्टा एस फ्यूजन फेज ट्रांसफॉर्मेशन. फ्यूजन कहां पे लिखा है चेक करो लेक्चर नोट्स में, पेज पलटो जल्दी से. फेज ट्रांसफॉर्मेशन आइस की मेल्टिंग हो रही है. चलो चलें हम आगे थोड़ा. नेक्स्ट हेडिंग ओवरऑल क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड गिव्स फ्री एनर्जी. Thank you.
gives free energy, G, which can be written as H minus TS. डेल्टा जी लिखेंगे तो डेल्टा एच, डेल्टा टी एस इफ टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, ये डेल्टा के बाहर आ जाएगा. डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. सो बेसिकली फ्री एनर्जी एक कॉन्सेप्ट है विच गिव्स क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी ऑफ एनी चेंज. कोई भी चेंज प्रोसेस होगा या नहीं होगा, किस कंडीशन पे होगा, ये हमें देता है. हमारे पास दो क्राइटेरिया थे, एंथैल्पी क्राइटेरिया एंड एंट्रोपी क्राइटेरिया. इन दोनों को कंबाइन करके एक नया ओवरऑल क्राइटेरिया हमने बनाया है. डेल्टा जी चेंज इन फ्री एनर्जी, इट गिव्स आइडिया अबाउट स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी ऑफ द चेंज. इट इंक्लूड्स बोथ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी क्राइटेरिया. इसमें दोनों क्राइटेरिया आ गए. इट इज द मैक्सिमम यूजफुल वर्क, मैक्सिमम यूजफुल एनर्जी विच कैन बी डिराइव फ्रॉम अ सिस्टम ड्यूरिंग द चेंज. जब भी प्रोसेस से चेंज हो रहा है तो कितना मैक्सिमम एनर्जी से डिराइव किया जा सकता है, बाहर लिया जा सकता है, वो गिव्स फ्री एनर्जी होता है. क्लियर? एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल वर्क. क्लियर? देखो हम जब प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं कुछ एक्सपांशन कंप्रेशन हो रहा है, एक होता है प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी. प्रेशर वॉल्यूम वर्क को हम कहीं और यूटिलाइज नहीं कर सकते, बट इलेक्ट्रिसिटी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं. सो इट इज अ यूजफुल वर्क विच कैन बी डिराइव शुभम क्या करता है, इंक्रीज होना या डिक्रीज होना? एंथैल्पी बढ़ाएंगे तो स्पॉन्टेनियस होगा, एंथैल्पी कम करेंगे तो स्पॉन्टेनियस होगा. बोलो जल्दी शुभम, एम आई ऑडिबल और नॉट? शुभम वाचिंग, ओवरऑल क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी. चलो मेरी आवाज आ रही है? शरण्या, शर्वरी, लोकेशा? यस सर. यस सर. लेक्चर थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूंगा 5 to 10 minutes, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है एक बार कंप्लीट हो जाएगा. हमारे पास डेल्टा एच और डेल्टा एस, इनके डिफरेंट साइन हो सकते हैं. डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. लेट्स से फर्स्ट पॉसिबिलिटी डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा एस इज पॉजिटिव. एंथैल्पी का नेगेटिव होना, डिक्रीज होना स्पॉन्टेनिटी को फेवर करता है. एंट्रोपी का बढ़ना, पॉजिटिव होना, ये भी
स्पॉन्टेनिटी को फेवर करता है. इसको नेगेटिव रखो, इसको पॉजिटिव रखो. अब तुम टेम्परेचर कितना भी रख लो, नेगेटिव ये भी नेगेटिव, डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव. इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव द प्रोसेस इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस. प्रोसेस इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस फॉर ऑल टेम्परेचर. किसी भी टेम्परेचर पे जाओगे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा फर्स्ट केस में. अब आते हैं सेकंड केस में. इसे नेगेटिव रखते हैं और इसे भी नेगेटिव कर देते हैं. इस पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया हमने, तो ये फेवर कर रहा है डेल्टा एच, बट डेल्टा एच अपोज कर रहा है स्पॉन्टेनिटी को. एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है. नेगेटिव नेगेटिव ये हो गया पॉजिटिव. सो दिस टर्म विल बी पॉजिटिव और ये टर्म नेगेटिव आ रहा है. प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तब होगा जब ये नेगेटिव हो जाए, मतलब इसका मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा हो जाए. और इसका मैग्नीट्यूड कब कम होगा? जब टेम्परेचर लो होगा. टेम्परेचर लो लेस मैग्नीट्यूड, टेम्परेचर हाई लार्ज मैग्नीट्यूड. क्लियर? सो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर. प्रोसेस is non-spontaneous at high temperature. Temperature बढ़ा हो गया, ये positive है, तो overall ये positive है तो इससे बड़ा हो जाएगा, ये positive हो जाएगा, तो third possibility आ जाएगी. Third case, अब एक काम करते हैं, इसको positive बना देते हैं. तो या ये positive और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव कर देते हैं अब हम. तो डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ये तो फेवर कर रहा है, बट अब ये अपोज कर रहा है एंट्रोपी. एंट्रोपी बढ़ रही है, स्पॉन्टेनिटी का अपोज. एंट्रोपी बढ़ रही है, स्पॉन्टेनिटी का फेवर. तो ये क्वांटिटी जो फेवर कर रही है स्पॉन्टेनिटी की, ये जब ज्यादा होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा. टेम्परेचर हाई. प्रोसेस is spontaneous at high temperature and process is non-spontaneous at low temperature. क्या इतना समझ में आता है? Is that okay, Ayush? Yes, sir. Srishti, clear is Sudeep? Sakshi? Yes, sir. Fourth possibility, negative-negative, positive-positive, negative-positive and then positive-negative. So, just four combinations will come. One time negative, so this positive-negative, two combinations. One time this positive, so this negative-positive. Next combination. Now, we do this. पॉजिटिव और इसे नेगेटिव. दो बार नेगेटिव, दो बार पॉजिटिव. ये भी दो बार नेगेटिव, दो बार पॉजिटिव. चार कॉम्बिनेशन. जब ये पॉजिटिव होगा तो एंथैल्पी अपोज करेगा स्पॉन्टेनिटी को. ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये भी अपोज करेगा. एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, एंथैल्पी बढ़ रही है, तो इसमें तो अपोज होगा स्पॉन्टेनिटी का. तो किसी भी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ाओगे कम करोगे, हमेशा ये पॉजिटिव ही आना है. ये वाली पॉसिबिलिटी आनी है. प्रोसेस is non-spontaneous at all temperature. किसी भी temperature पे process spontaneous होगा ही नहीं. Clear है इतना? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसके दो तीन क्वेश्चन मैं कर रहा हूं ताकि तुम्हें होमवर्क में चीजें समझ में आए.
सेक्शन ए, चलो सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 and 2 में 9, 10 तक लेक्चर लूंगा ना, 10 मिनट एक्सटेंड होगा लेक्चर. सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर 1 and 2 बोथ आर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड रिपोर्ट द आंसर, देखो फटाफट कॉपी करने के बाद. सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 and 2 और जिसका भी आंसर आता है चैट बॉक्स में लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 1 and क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट का आंसर तो ये टेबल में लिखा हुआ है. आज थ्योरी कॉन्सेप्ट थोड़े ज्यादा कवर हुए हैं. लेक्चर नोट बहुत अच्छे से पढ़ना, लेक्चर के बाद लेना 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, जितना भी टाइम लगता है, क्लियर? फिर होमवर्क पे जाना है. Which of the following condition regarding a chemical process ensure its spontaneity at all temperature? हर temperature पे spontaneous होगा. तो हर temperature पे spontaneous होगा. Process is always spontaneous for all temperatures. जब ये भी favor करे और ये भी favor करेगा. तो delta H negative, delta S positive. Is that okay? First question. Yes, sir. Second question for isothermal expansion in case of an ideal gas. Isothermal process के लिए ideal gas के लिए delta H 0 होता है, delta G, delta H minus T delta S. तो ये 0 हो गया isothermal ideal gas. Delta G कितना बचा? Minus T delta S. Second question, क्या third option match कर रहा है हमारा? Minus T delta S. Apurva, is it okay? Dhananjay? Yes, sir. थर्ड पे आ जाते हैं अब हम. थर्ड क्वेश्चन, PCl5 ऑन हीटिंग कैन डिसोसिएट इनटू PCl3 प्लस Cl2. यहां पर 1 मोल गैस इज गिविंग 2 मोल्स ऑफ गैस. एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग एज मोल्स ऑफ गैस आर इंक्रीजिंग. गैस के मोल्स बढ़े, एंट्रोपी बढ़ेगा. क्या हमें हीट सप्लाई करना पड़ रहा है इसको ब्रेक करने के लिए? डिसोसिएशन चेंज है, ये एक एंडोथर्मिक चेंज है. वी नीड टू सप्लाई द हीट. ब्रेक कर रहे हैं बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में. तो हीट एक्सचेंज इज पॉजिटिव, एंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव, एनर्जी बढ़ रही है सिस्टम की. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है थर्ड का? सेकेंड ऑप्शन, राइट? Yes, दिया गार्गी, यस सर. क्लियर है? यस सर. एक और क्वेश्चन कौन सा किया जाए? क्वेश्चन नंबर 5. कंसीडर द डेल्टा जी एफ नॉट डेल्टा एच एफ नॉट फॉर द फॉलोइंग ऑक्साइड. व्हिच ऑक्साइड कैन बी मोस्ट इजीली डिकम्पोज टू फॉर्म द मेटल एंड ऑक्सीजन. इनमें से कौन सा इजीली डिकम्पोज होगा जिसका डिकम्पोज होना मतलब बैकवर्ड रिएक्शन जाना. डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव उतना प्रोसेस खुद से होगा, मतलब ज्यादा बेटर, ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा. जिसका भी डेल्टा जी सबसे ज्यादा नेगेटिव वो कभी डिसोसिएट नहीं होगा, वो तो बनने में और फेवर कर रहा है. तो डेल्टा जी पॉजिटिव और सबसे ज्यादा पॉजिटिव, या ये बोले सबसे कम नेगेटिव. तो डेल्टा जी सबसे कम नेगेटिव मिल रहा है मुझे HGO का. HGO सबसे इजीली डिकम्पोज होगा. HGO बनने में सबसे कम फ्री एनर्जी नेगेटिव है, मतलब उसकी स्पॉन्टेनिटी सबसे कम है, इजीली बैकवर्ड डायरेक्शन में आ सकता है. कंपैरिजन करें, समझ में आ रहा है? डेल्टा जी इज मोर नेगेटिव, मोर स्पॉन्टेनिटी, मोर स्टेबल द प्रोडक्ट. यहाँ पे ब्रेक करना है HGO को, HGO2 में बनाना है. तो अपोजिट डायरेक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव होगा. कौन सा इजिली ब्रेक होगा जिसका डेल्टा जी सबसे कम पॉजिटिव? इज दैट ओके? फिफ्थ क्वेश्चन. Yes, sir. चलो मैं होमवर्क लिख रहा हूँ बोर्ड पर. होमवर्क एक्सरसाइज 1 अप टू सेक्शन ए कंप्लीट. एक्सरसाइज 2 में से भी कुछ होमवर्क देना है.
एक्सरसाइज तुमने से पहले दिया है होमवर्क कहीं तक? यस सर, 14 तक. 14th. ठीक है. Exercise 2, question number 15 to question number 24. Homework. Okay. You may leave now. Sir. Bolo. Last two lectures ke video bhejo na. वीडियो देखो, वीडियो लेक्चर सारे ना मैं ग्रुप पे इसलिए नहीं सेंड कर रहा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है. तुम जब अपने प्लेलिस्ट में जाओगे एमए में तुम्हें मिल जाएंगे वो सब. ठीक है रेजोनेंस नासिक के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सब बना हुआ है एमए एमआर सभी का, उसमें वीडियो लेक्चर्स मेरे तुम ओपन होते हैं मिल जाएंगे, मतलब सबके ही ओपन होते हैं. वहां जाके डेट वाइज शॉर्ट करना, किस डेट का चाहिए वो पता लग जाएगा. राइट. यस सर. थैंक यू सर. I'm ending the session now.